नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर देश भर में छात्र हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री को सुनना चाहते हैं। आज तक पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के हर एक सवाल का जवाब देंगे, जिसका स्टूडेंट से सीधा सरोकार है। आज तक के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, छात्र और अभिभावक सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए, क्योंकि काफी देरी से सभी इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि परीक्षाएं कब और कैसे होंगी, सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि छात्रों की जो तमाम तरह की समस्या और मन में आशंकाएं हैं उसको दूर किया जा सके। आज जो बोर्ड परीक्षा है CBSE की, कब और कैसे होगी इसके बारे में स्वाभाविक है कि बच्चे भी जानना चाहेंगे, अभिभावक भी जानना चाहेंगे, अध्यापक गण भी जानना चाहेंगे। पीछे के समय से हमने इस दिशा में छात्रों से लगातार संवाद किया है, उसके बाद अध्यापक गण से भी संवाद किया है। जो शिक्षा संवाद हम लगातार करते हैं, जिसमें छात्र, अभिभावक, अध्यापक और अन्य लोगों से भी जब जब जरूरत पड़ती है तब हम लगातार संवाद करते हैं। तो संवाद करने के बाद उस बीच एक बात तो हम लोगों ने तब ये निर्णय लिया था कि नहीं, फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे, क्योंकि पहले जनवरी 15 से लगभग शुरू हो जाते थे, फरवरी मार्च तक जो है वो पूरे हो जाते थे। तो पहला निर्णय तो हमने ये लिया कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आप आगे कब होंगी। हम लोगों ने आगे तक का जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करके और कल 31 तारीख को नए वर्ष के शुभारंभ से पहले पूर्व संध्या पर, नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि उसको छात्र को तिथियां भी मिल जाएं, अभिभावक को उसकी परीक्षाओं की तिथियां भी मिल जाएं और मैंने भी मिल जाए कि किन तिथियों में उसकी परीक्षा होगी जी। और जो परीक्षा होगी वो उसको किस तरीके से उसको पालन करना होगा। जैसे आपको मालूम है कि हमने कोरोना काल में पूरी दुनिया में नीट जैसे परीक्षा को कराकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है, लगभग बहुत सुरक्षित परीक्षा हुई है, और JEE की भी हमने परीक्षा करवाई, हमने फाइनल ईयर की परीक्षा करवाई। जरूर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में सबकी समझ में आया कि जरूरी है सुरक्षा, जरूरी है लेकिन भविष्य भी जरूरी है। दोनों का मिश्रण, सुरक्षा के साथ साथ भविष्य को संवारते हुए आगे बढ़ना है, और समय गंवाना नहीं है, वर्ष खराब नहीं करना है। और हमने वर्ष खराब नहीं होने दिया, हमने छात्रों को CBSE की भी परीक्षाएं करवाई, हमने कॉपियों को चेक भी करवाया, हमने बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ हमने फाइनल परीक्षा उच्च शिक्षा में भी करवाई, हमने JEE मेन भी करवाया, JEE एडवांस भी कराया, और हमने नीट की भी परीक्षाओं को करवाया, और बहुत ही सफलतम ये परीक्षाएं हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी हम जो तिथियां घोषित करेंगे कल, उसके बाद उनको साथ साथ दिशा निर्देश भी देंगे, राज्यों को भी देंगे, संस्थानों को भी देंगे, अधिकारियों को भी देंगे। जो बहुत सारे अहम जवाब आपकी ओर से दिए गए इस पहले सवाल के दौरान भी, आपने कहा कल परीक्षा की तिथि बताने की कोशिश होगी, लेकिन छात्रों के मन में ये भी सवाल है, क्योंकि आज तक लगातार छात्राओं के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा है, उनके मन में ये सवाल है कि 3 घंटे तक लगातार मास्क पहन के कोरोना के इस काल में वो कैसे परीक्षा देंगे, तमाम तरह की दिक्कतें उनको होंगी, इसको लेकर आप किस तरह से उनको संतुष्ट करना चाहेंगे, क्या होगा इसका जवाब आपके पास? परिस्थितियां हैं, अब इन्हीं परिस्थितियों में हमको आगे काम बढ़ाना है, और दिया है ना लोगों ने, और अच्छे से दिया है, मास्क पहन करके परीक्षाओं को दिया है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त होना है, क्योंकि हम जब पूरी भीड़ में रहेंगे, दूर जाएंगे, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अपने
दूरियां भी बना करके रखेंगे और मास्क भी पहनेंगे तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होगा। और सुरक्षा आपके अपने हाथ पर है और जिन लोगों ने उन नियमों का पालन किया वो आज भी सुरक्षित हैं। लाखों लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं लेकिन कोई घटना नहीं हुई और अच्छे तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। तो ये परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया के सामने हैं, केवल हिंदुस्तान के सामने नहीं। उन परिस्थितियों को, उन चुनौतियों का मुकाबला तो करना पड़ेगा और कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। मद्देनजर ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि दो गज की दूरी और मास्क को एकदम जरूरी किया जाए और उसके साथ ही छात्र इसका भी ध्यान रखें क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है फिलहाल मौजूदा दौर में जब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं होता है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई छात्रों और उनके अभिभावकों का ये कहना है कि पिछले कई महीनों से कोविड के दौरान स्कूल बंद रहे जिसके कारण वो सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाए, ऐसे में वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बारे में निशंक जी आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा भी नहीं है, अभिभावक ने तो जब हम परामर्श कर रहे हैं तो छात्र भी चाहता है कि नहीं परीक्षा तो हो लेकिन इस बात की चिंता है कि किस तरीके से हो, कब हो। और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा परीक्षा न दे और उसका वर्ष खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ लेकिन क्या परिस्थितियां हैं और किस तरीके से उसकी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, पहली आवश्यकता है उसकी सुरक्षा का है, फिर उसके भविष्य का है। अगला सवाल ये है, देश स्कूल बंद हैं लेकिन हम ऑनलाइन चला रहे हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे CBSE ने 30% अपने पाठ्यक्रम को कम किया है ताकि बच्चे पर ज्यादा दबाव न बने, उसी के अनुरूप भविष्य में जो प्रश्न पत्र भी होंगे उसी के अनुरूप बनेंगे भी, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय समय पर हम शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर रहे हैं, करते भी हैं और हमने प्रज्ञता दिशा निर्देश भी एक गाइडलाइन जारी किया है किस तरीके से उसको पढ़ने के बाद देखने के बाद उसके सुझावों को अपने संस्थानों में लागू करने से बहुत सारी समस्याओं का निपटारा होगा और मुझे भरोसा है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा दे सकेंगे। जो उन्होंने अब जिन छात्रों तक अभी थोड़ा सा कुछ प्रतिशत ऐसा है जहां उनके पास इंटरनेट नहीं है या उनके पास अभी स्मार्ट टेलीफोन नहीं है तो वहाँ विकल्प निकाला PME विद्या के तहत, तो उन छात्रों को कैसे करके चाहे रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से। और आपको मालूम है कि जो प्रधानमंत्री जी का मन था कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन्हीं की प्रेरणा से हमने वन क्लास वन चैनल भी किया है। स्वयं प्रभा के तहत 32 चैनलों को हम चला रहे हैं, एक क्लास को एक चैनल पूरी तरीके से समर्पित है और वो DTS सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जो दूरस्थ छात्र है उसको भी शिक्षा कैसे हम दे सकते हैं, बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उस बच्चे तक जो अंतिम छोर में बैठा है उस तक भी पहुंचने की हमारी कोशिश रही है जी। और 25 करोड़ छात्रों को तो हम ऑनलाइन पर लाए, दुनिया का शायद ये पहला ऐसा इतने बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण होगा पूरी दुनिया में कोरोना। और बहुत सारे देशों ने तो एक एक साल पीछे अपने को पहले ही कर दिया था लेकिन हमने बच्चे के साल को भी खराब नहीं होने दिया। ये बहुत अहम बात शिक्षा मंत्री जी आपकी ओर से कही गई है कि समाज के आखिरी छोर पर खड़ा जो छात्र है उस तक भी शिक्षा पहुंच पाए, कोरोना का काल हो या फिर जिस तरह की चुनौतियों से हमने बीते दिनों अभी भी वो संघर्ष चल ही रहा है देश का, लेकिन इन सबके बीच देश भर में जो अभिभावक हैं उनके मन में ये भी सवाल चल रहा है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि तमाम शिक्षण संस्थान आखिर कब खोले जाएंगे, इसको लेकर फैसला कब लिया जाएगा? शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, खुलेंगे तो किस तरीके से वो गाइडलाइनों का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है।
पीछे के समय में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन से क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से राज्यों को ये कहा गया था कि वो जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती हैं उसी तरीके से वो अपने राज्य में स्कूलों को खोलें। लेकिन वो जो गृह मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम हैं उनका जरूर पालन करें। जिन राज्यों ने उसका पालन किया वो बहुत अच्छे से उन्होंने दूसरे चरण का में अपने कुछ स्कूलों को खोला भी है, कई प्रदेशों ने खोले हैं, कुछ जहाँ स्थितियाँ ठीक हुई हैं वैसे वैसे वो खोले भी, लेकिन किस तरीके से खोलेंगे और किस तरीके से दूराइयों का उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो गाइडलाइन का पालन करेंगे ये बहुत जरूरी है। तो राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए वो निर्णय लें और शीर्ष प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा पर रखें, ये किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वहाँ वो स्कूल क्रमबद्ध खुलते चले जाएंगे, और हम समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय भी लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने यदि कोई निर्णय ले लिया परिस्थितियाँ बेकार हैं तो उस परिस्थिति जन्य निर्णय हमने बच्चों से संवाद किया, अभिभावकों से संवाद किया, अध्यापकों से संवाद किया, हमने जिलों में लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, शिक्षा मंत्रियों से, मैं लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगभग लगातार मैं संवाद करता हूँ, वहाँ के मुख्य सचिवों से हम संवाद करते हैं, शिक्षा सचिव हों चाहे गृह सचिव हों चाहे जिला अधिकारी हों चाहे SSP हों, ये बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत चौकस रहे हैं और लगातार हम संवाद करते रहे। तो मुझे लगता है इसमें चिंता की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे हम निर्णय लेंगे। मतलब बच्चों और अभिभावकों की ओर से संवाद के जरिए जो बात निकलकर सामने आई है उसके जरिए आप आगे फैसला लेंगे, इसको लेकर सरकार बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। अब मेरा अगला सवाल निशंक जी आपसे ये है, बोर्ड की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने क्या तैयारी की है, इस बारे में अगर आप विस्तार से आप छात्रों को जानकारी देना चाहें समझाना चाहें। देखिए बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के जो तैयारी की बात है, क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम जितना जो शैक्षणिक कैलेंडर दिया है वो कैसे करके पूरा हो, एक तो इसकी बात की चिंता है, और उस पर लगातार NCERT और जो भी हमारी बड़ी शीर्ष संस्थाएं हैं वो लगातार समीक्षा कर रही हैं, लगातार हर सप्ताह हर दिन उसकी न केवल समीक्षा होती है बल्कि जहाँ कमी है वो दूर कैसे हो सकती है, इस दिशा में भी लगातार हम कार्रवाई करते रहते हैं जी। तो एक तो ये है कि उसका पाठ्यक्रम कैसे पूरा हो, दूसरा उसके बाद उसकी परीक्षाओं की जो तैयारी की आपने बात की है उसकी परीक्षाओं की तैयारी होंगी, क्योंकि सेंटर जैसे पिछली बार भी हमने कई सेंटरों को बढ़ा दिया था, पिछली बार हमने कहा था कि जिस स्कूल में वो छात्र पढ़ता है उसी को सेंटर बना दिया था, जबकि पहले दूसरे स्थानों पर वो जाते थे, और बहुत सारे चेंज पिछली बार हमने किए थे। अभी जो परिस्थितियाँ आएंगी उस परिस्थितियों को देखते हुए जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम समय समय पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं और बच्चे की पढ़ाई और उसके बाद उसकी परीक्षा की तैयारी, और तैयारी में जब वो बैठेगा तो कैसे सुरक्षित वो अपनी परीक्षा देगा इसकी तैयारी पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ होती है, हो रही है, और लगातार राज्यों को उसका सुझाव भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश पोखरियाल निशंक जी आज तक से जुड़ने के लिए, और छात्रों के मन में उनके अभिभावकों के मन में जो तमाम सवाल चल रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब आपने बेबाकी से दिया। उम्मीद है कि छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए सरकार अहम निर्णय लेगी, लेकिन कल का दिन भी इन सबके बीच महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी खुद यहां पर शिक्षा मंत्री दे रहे थे। लगातार इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, शिक्षा मंत्री के जरिए हम देश तक छात्रों के मन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।